welcome back to my channel. So yeah, those who are new, hi, my name is Sana and aaj ki video hone wali hai, it's all about manicure and pedicure at home. Yes, jaise ki aap sabhi jante hain, hum sare girls ko manicure and pedicure, jo hamare haathon ko bolte hain manicure and pairon ko bolte hain pedicure, ye sari cheeze bahut hi zyada important hoti hai hum sabhi ke liye, right? Just because of ki jo hamare nails hote hain, hamare haath hote hain, wo sundar sundar dikhe, right? Iske liye humko matlab रेगुलर बेस पे मंथली और ईयरली हमको हमारे बॉडी पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? सो या आज मैं इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ मेरी इस वीडियो में, जिसमें कि आपको किसी भी पार्लर ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप पार्लर ट्रीटमेंट को अपने घर पर खुद से DIY करके ही कर सकते हैं, या उसके लिए सिर्फ आपको एक सिंपल सी किट लेनी है. मैं यहाँ पर इस वीडियो के लिए एल्फ स्किनलेस की स्ट्रॉबेरी नरिशिंग मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट यूज़ करने वाली हूँ. यस, पैकेजिंग पे मत जाना, प्लीज़ इग्नोर डेट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको ऑर्डर किए हुए. या इसमें आपको 34 ग्राम का पैक मिल जाएगा ये पूरा, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको ये भी नहीं करना है कि आपके इसके अंदर मतलब आप कैसे करो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या, बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी ध्यान रखने की कोशिश भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के पाउचेस मिल जाएंगे. यस, यहाँ पे मेरे पास 5 पैकेट्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि स्टेप 1, राइट, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5. यस, इसमें सारे स्टेप्स मेंशन है, आपको स्टेप वाइज इसको यूज करना है. मतलब जैसे जैसे इसमें स्टेप्स हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ. आप इस वाली किट को यूज़ करके आप मतलब एक किट ऑलमोस्ट आराम से आपके हाथों के लिए, आपके पैरों के लिए, मतलब मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों के लिए सफिशियंट है. बिल्कुल भी आपको दूसरी किट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो. आपके लिए एक सफिशियंट है, हाफ आप दोनों हाथों में यूज़ करें एंड हाफ दोनों पैरों पर. अच्छे से मैनिक्योर एंड पेडिक्योर आपका हो जाएगा घर बैठे, आपको कोई भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको इस किट के लिए एक्सपेंड करने हैं 155 रुपीज़. 155 की ये किट है मेरे पास, आपको सिर्फ 155, 140, 130 समथिंग इतने कांड ऑफ आपको मतलब खर्च करने हैं पैसे, और इतने में ही आपका आराम से हो जाएगा. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आप देखो कि मैं अपने इस किट को यूज़ करके मैनिक्योर और पेडिक्योर कैसे करती हूँ. सो या गाइस, सबसे पहले हमको मैनिक्योर करने के लिए चाहिए है एक बकेट. यस, उसमें हमको थोड़ा सा पानी चाहिए है. पानी आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रख लेना, जितना आपका प्रोडक्ट हो उतना सफिशिएंट होना चाहिए. मैंने सिर्फ एक मग पानी रखा हुआ है. यहाँ पे मैं आपको अपने हैंड्स दिखा रही थी कि अभी मेरे हैंड्स की हालत ऐसी है, थोड़े से डल ड्राई हैं बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे. स्टेप 1 क्या है? सोक स्ट्रॉबेरी. मेरे पास इसका फ्लेवर है जो वो है स्ट्रॉबेरी मैनिक्योर एंड नरिशिंग पेडिक्योर किट. यस, इसमें है सोक. इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि हमको मतलब पहला स्टेप है सोक करना, तो हमको जो वाटर लिया हुआ है हमने उसमें हमको ये पूरा सैशे डाल लेना है. हल्का सा उसको थोड़ा सा हमको मिक्स अच्छे से करना है, जिससे कि उसमें झाग आ जाए. जैसे कि आपने देखा होगा पार्लर ट्रीटमेंट होते हैं, सेम उसी तरह से. ठीक है, प्लीज़ इग्नोर माई हैंड्स, क्योंकि सच में यार बहुत ज़्यादा डर्टी हुए पड़े हैं. पहले चीज़ तो मेहंदी लगी हुई है हाथ में, आधी छूट गई है वो, क्योंकि राखी के बाद मैंने पेडिक्योर किया था. यस, इस तरीके से आपको झाग बना लेना है अपनी बकेट में, एंड फिर अपने हैंड्स को आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए सोक करना है. यस, सिंपली आपको 5 मिनट आप अपने ऐसे बकेट के अंदर रखे रहो जैसे मैंने रखा है, इस तरीके से आपको सोक करना, जिससे आपका हैंड थोड़े से सॉफ्ट हो जाए. राइट, इसके बाद हमारी जो सेकेंड स्टेप है वो है क्यूटिकल क्रीम. यस, अप्लाई क्यूटिकल क्रीम ऑन द नेल्स. यूज अ सर्क्यूलर पुश, यूज अ क्यूटिकल पुशर टू जेंटल पुश ओके बैक फॉरवर्ड टू द नेल्स, वाइप ऑफ. ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड स्टेप. मतलब इसमें एक क्रीम है जिसको हमको अपने नेल्स पे अप्लाई करनी है, और एक जो क्यूटिकल पुशर आता है, मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी, मेरे पास वो था तो मैंने उसकी हेल्प से थोड़े से जो मेरे जो अपने नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, राइट, इसी तरीके से आपको सबसे पहले तो मसाज कर लेना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ आपके साथ वीडियो में. उसके बाद जो हमारे नेल्स होते हैं, मैं यहाँ पर पहले हैंड वॉश कर लूँगी, उसके बाद एक पतला सा क्यूटिकल पुशर आता है वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, वो है ये. यस, इसकी हेल्प से मैं इस तरीके से अपने जो एक्स्ट्रा डेड स्किन हो जाती है हमारे नेल्स के पास, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल्स, उसको हमको पुश करना है बैक साइड. अब ये पुश करने का स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब तक हम ये जो हमारी स्किन में एक गंदगी जम जाती है हमारे नेल्स में, जो हमको कभी भी दिखती नहीं है, जो सी थ्रू नहीं होती है लेकिन होती है नेल्स में, राइट, अभी आप देख रहे हो जैसे कि, इस तरीके से बहुत ही केयरफुली आपको अपने क्यूटिकल्स को
आपको पीछे की तरफ पुश करना है, और अगर आपको उससे नहीं बन रहा जैसा कि मुझे नहीं बन रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको आधा क्यूटिकल पुशर से किया लाइक दिस, एंड फिर नेल्स की हेल्प से अपने क्यूटिकल्स को पीछे की तरफ पुश किया। वो इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो नेल्स की ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली टाइम टू टाइम अच्छी होती जाए। यस, अब आप देख सकते हो मेरे नेल्स एकदम क्लीन हो गए थे। यस, अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है स्क्रब। हमको स्क्रब करना है, मसाज द स्क्रब ऑन योर डैम्प हेड और फिट फॉर द 2 to 3 minutes। आप अपने पैरों पे या फिर अपने हाथों पे मसाज कर सकते हो। उसके बाद अपना 2 से 3 मिनट सिर्फ हमको मसाज करना है, जैसे कि हम स्क्रब करते हैं ना अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, लाइक दिस। उसी तरीके के सेम स्क्रब आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी। ये बात तो मैं आपको सच बोल रही हूँ कि ये जो पैक है इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप आराम से अपने पैर पे और अपने हाथों पे, मतलब आप अपना मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों कर सकते हैं। मैंने दोनों ही साथ साथ किया था। मैंने शूट सिर्फ हाथ का किया है मैनिक्योर का, लेकिन मैंने अपना पेडिक्योर भी एट द सेम टाइम किया हुआ है। यस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। हल्का सा पानी है तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो सूख जाएगा ना, तो स्क्रबिंग होगी नहीं। और बस मुझे इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये लगा कि जो इनका ये स्क्रब था इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, सिर्फ 2 या 3 पार्टिकल्स थे, जिससे कि स्क्रबिंग अच्छी नहीं हो पाई। थोड़ा ज़्यादा होने से तो अच्छी हो जाती। सो या यहाँ पे स्क्रब हो गया है, मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया था। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है मसाजिंग क्रीम। यस, सिंपल से आपको अपने हाथों को वॉश कर लेना है स्क्रब करने के बाद। उसके बाद जो ये मसाज क्रीम है एब्सकुडनेस की, उसको हमको लेके मसाज करना है। ये पिंक कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी के अलावा बहुत सारे इसमें और भी वेरिएंट्स हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके हैंड्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आते हैं फ्लेवर वाइज। यस, अब हमने मसाज क्रीम अप्लाई कर ली थी, वो हमको तब तक मसाज करनी है जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है मड मास्क। यस, जेंटली अप्लाई ऑन योर हैंड्स और एंड मेक श्योर डैट आप जब भी, मतलब जो जो स्टेप्स करें, स्टेप वाइज जो भी आप स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके साथ साथ आपको अपने पानी को भी चेंज करते रहना है। यस, टाइम टू टाइम है, लेकिन आपको 5 या 10 मिनट छोड़ देना है। मैंने तो भाई सच में 10 मिनट छोड़ दिया था अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, जस्ट इस तरीके से। मड मास्क आप सभी को पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं मार्केट में, लेकिन ये इस किट के साथ अवेलेबल था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। मैंने अपने पूरे हैंड्स पे अप्लाई कर लिया था एंड उसके बाद मैंने पैरों पे भी अप्लाई किया हुआ था 5 या 10 मिनट के बाद। अब मैं आपके साथ ये शूट कर रही, मतलब शेयर कर रही हूँ। हैंड वॉश करके आई थी मैं, यस, पानी के साथ। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि लिटरली मेरे हैंड्स पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आया। अब आप सबसे पहले जाके स्टार्टिंग की वीडियो देख लो और अभी की वीडियो देख लो, डिफरेंस है, लिटरली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज से हैंड्स दिख रहे थे मेरे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सप्पल दिख रहे हैं। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है आई थिंक सो, तभी मेरे हाथ थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, मतलब कलर थोड़ा सा डाउन डाउन दिख रहा है, वरना गोरे गोरे दिख रहे थे यार लिटरली सामने से देखने में। वीडियो में थोड़ा सा डल दिख रहा है। यस, उसके बाद मैं यहाँ पे बेला वॉस्टा की माय फेवरेट नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ। या मुझे नेल पेंट अप्लाई करते ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। अगर आप लोग इसमें शेड पूछना चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। शेड है बेला वॉस्टा जेल शाइन नेल पेंट शेड 325 10 ml की क्वान्टिटी के साथ। एंड मुझे अच्छे से नेल पेंट अप्लाई करना वैसे तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, मतलब बिगड़ जाती है थोड़ी बहुत, बाहर लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है उसका, क्योंकि वो इस तरीके से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ जिससे वो क्लीन हो जाती है और जो मेरी नेल्स रहते हैं सब उसके ऊपर लगी रहती है। या अगर आपसे भी नहीं बनती और आपसे भी कोई ऐसी गलती हो जाती है ना, तो ये एक हैक है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं तो इसी तरीके से ट्राई करती हूँ और मेरा हमेशा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से कर लेना। यहाँ पर मेरी नेल पेंट भी अप्लाई हो गई थी मेरे हैंड्स पे, एंड जैसे ये सूख गया था तब तो मुझे मेरा हैंड बहुत अच्छे लग रहे थे, सॉफ्ट एंड सपल दिख रहा था। एंड नाउ एज यू कैन सी कि समथिंग डिफरेंट मैं आपको पैर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यस, मैंने मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों साथ में किया था, मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। नेल पेंट ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी अपने पैरों पे, हाथ पे मैंने आपके साथ शूट कर दिया क्योंकि मैंने मैनिक्योर की वीडियो ही शूट करी है, आपके साथ शेयर करी है। या सो यही थी मेरी कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड या प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।